गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धमान ई लर्निंग क्लासेस। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडिंग अबाउट कंप्यूटर, हाउ इट वर्क्स। इससे पहले वाली जो क्लास थी, हमने उसमें थोड़ा सा पढ़ा था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बारे में। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो कंप्यूटर कार्य करने का जो तरीका है, वो तीन प्रोसेस से होकर निकलता है। फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड है प्रोसेसिंग और थर्ड है आउटपुट, जिसको हम आईपीओ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर थ्री बेसिक स्टेप्स ऑन विच ए कंप्यूटर वर्क। दीज आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर पे जो कार्य करने का जो तरीका है, वो कुल तीन स्टेप से होकर निकलता है, जिसमें फर्स्ट होती है इनपुट, सेकेंड प्रोसेसिंग और थर्ड होता है आउटपुट। दिस इज सम वॉट सिमिलर टू वॉट यू एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स ना बनाकर उसका जो मेन है वो मैंने लिखा है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कोई भी जो काम होता है उसमें भी प्रोसेसिंग होती है, उसमें भी इनपुट होता है, और उसके बाद भी जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद में जो रिजल्ट होता है वो हमको आउटपुट के रूप में मिलता है। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पढ़ा था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो ये था फर्स्ट था इनपुट, हम डेटा को डालते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ। सेकेंड था प्रोसेसिंग, तो जो हमने डेटा अंदर फीड किया है वो उस पर प्रोसेसिंग करता है, यानी काम करता है। और जो थर्ड था प्रोसेसिंग के बाद जो मीनिंगफुल रिजल्ट था, वो आउटपुट के बाद आउटपुट के रूप में हमको बाहर डिस्प्ले पर शो होता है। उसी तरीके से फर्स्ट हमने लिए फ्रूट्स, लाइक हम जूस बनाने के लिए कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, बट यहाँ बुक में जो दे रखे हैं उनमें ऑरेंजेस दे रखे, तो हमने ऑरेंजेस लिए। फिर पुटिंग इन द जूसर, हमने उनको जूसर के अंदर डाला और फिर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, लाइक आपने वो मशीन को ऑन किया होगा जूसर को। और जो थर्ड था, जब वो पूरी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद में जो हमारा आउटपुट था वो निकल कर आया जूस के रूप में, मतलब जो मीनिंगफुल रिजल्ट था, फर्स्ट हमने ऑरेंज डाला, फिर मशीन को ऑन किया, जूस बना, उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस था मीनिंगफुल, जिसकी हमें ज़रूरत थी, वो था जूस। हमने जूस बनाने के लिए ऑरेंज को जूसर में डाला था और हमको जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें जूस के रूप में बाहर देखने को मिल गया। लेट अस अंडरस्टैंड इन इट दिस वे, फ्रूट इज इनपुट, यानी यहाँ पे फ्रूट इनपुट है। वी पुट इन द जूसर मिक्सर, उनको हमने किसके अंदर डाला, जूसर मिक्सर के अंदर डाला। इट स्टार्ट गेटिंग क्रस्ट, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग का था, मतलब वो पिसने लगा या जो जूसर था वो स्टार्ट हो गया। एंड वी कलेक्ट जूस इन ए ग्लास आउटपुट। तो ये वाली बात मैम ने भी आपको बता दी कि फर्स्ट था फ्रूट, यानी वो इनपुट है, सेकेंड पुटिंग इन द जूसर, जब हमने उसको डाला तो यानी वो प्रोसेसिंग हो गया, और जो थर्ड था आउटपुट, यानी कि जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो जूस जो फ्रूट्स थे वो हमको किसके रूप में मिले, जूस के रूप में मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी।